हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एबिंगर्स फॉगेटिंग कर्व। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने फॉगेटिंग का मीनिंग एंड कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी थी, और मैंने बोला था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है फॉगेटिंग कर्व पे होगी। एंड हर्मन एबिंगर्स हैं जिसने फॉगेटिंग पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली डिड द रिसर्च एंड केम विद द कंक्लूजन ऑफ द फॉगेटिंग कर्व। तो आज हम उन्हीं का ही फॉगेटिंग कर्व पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और हमें इससे बहुत कुछ पता चलेगा कि फॉगेटिंग का रिलेशनशिप कैसे है टाइम के साथ, कैसे फॉगेटिंग होती है, किन सर्कमस्टांसेस में होती है, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्यों। तो फ्रेंड्स, हर्मन एबिंगर्स ही वॉज द फर्स्ट वन हु ड्राइव द फॉगेटिंग कर्व, एंड ही डिस्क्राइब्स द डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रिटेन द मेमोरी ओवर द टाइम। ही वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने डिस्क्राइब किया, समझाने की कोशिश करी कि जो हमारी याद करने की क्षमता है ब्रेन में वो रिड्यूस होती है विद द टाइम, ओवर द टाइम। मतलब अगर आपने एक साल पहले या कह लो एक हफ्ते पहले जो चीज़ याद करेगी, विद द टाइम नेक्स्ट वीक तक वो जो आपने रिटेन किया है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड द इशू वॉज हाइपोथाइज्ड बाय द हर्मन एबिंगर्स इन 1885। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि 1885 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर ही, एंड उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही उन्होंने जो है ये एबिंगर्स फॉगेटिंग कर्व बनाया था। उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई एंड उसके बाद उस पर रिसर्च किया, एंड देन ही कंक्लूडेड और अपनी जो हाइपोथेसिस उसको पब्लिश करी थी इन अ जर्नल, जिसमें उन्होंने एबिंगर्स फॉगेटिंग कर्व के बारे में डिस्कस किया। तो बेसिकली उनकी जो थ्योरी थी, ही सेज दैट ह्यूमन स्टार्ट लूजिंग द मेमोरी ऑफ लर्न नॉलेज ओवर द टाइम इन अ मैटर ऑफ डेज और वीक अनलेस द लर्न नॉलेज इज कॉन्शियसली रिव्यूड टाइम एंड अगेन। उनका कहना था कि अगर जो चीज़ हमने पढ़ी है, समझी है, याद की है, उसको रिव्यू नहीं किया जाता, रिवाइज नहीं किया जाता, प्रैक्टिस नहीं किया जाता बार बार, तो वो विद द टाइम डिक्रीज हो जाती है, डिकेड हो जाती है, या फिर अनेबल टू रिकॉल हो जाती है, हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लेक्चर में मैम बताती हैं, अगर वो आप सेम डे आके नहीं पढ़ते हो, अगर पढ़ते भी तो बहुत सारी चीज़ें जो मैम ने पढ़ाई होती है वो जो है जब तक आप घर पे आते हो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द माइंड हो जाती है। जब तक आप बुक पढ़ते हो तब आपको याद आता है कि हाँ मैम ने ये चीज़ भी बताई थी। सो अ रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ फॉगेटिंग कर्व इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेमोरी। तो फॉगेटिंग कर्व हमें क्या बताता है कि हमारी मेमोरी की स्ट्रेंथ क्या है, एंड विच स्टेट द टाइम पीरियड अप टू विच अ पर्सन कैन रिकॉल एनी मेमोरी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर मेमोरी। मतलब हम किस टाइम पीरियड तक अपनी इंडिविजुअलिस्टिक जो मेमोरी स्ट्रेंथ है, अब मेमोरी स्ट्रेंथ भी सबकी अलग अलग होती है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, आपकी मेरी सबकी अलग अलग है, बच्चों की, बूढ़ों की एंड मिडिल एज लोगों की, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है फॉर द मेमोरी स्ट्रेंथ। तो फॉगेटिंग कर्व ये भी रिलेशन बताता है कि कैसे हमारी जो स्ट्रेंथ ऑफ मेमोरी है वो टाइम पीरियड के साथ लिंकअप है, एंड कैसे हम रिकॉल कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएँ तो फर्स्ट स्टडी वॉज हाइपोथाइज्ड ऑफ द फॉगेटिंग कर्व वॉज डन 1885, वो मैंने अभी आपको बताया, एंड मैथमेटिकली इसका एक फॉर्मूला भी ड्रॉ किया गया था, दैट इज आर इज इक्वल टू ई माइनस टी बाय सेवन एस, जिसमें कि आर रेफर्स टू द मेमोरी रिटेंशन एंड एस रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मेमोरी एंड टी रेफर्स टू द टाइम। सो हर्मन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट स्टडी अबाउट द फॉगेटिंग कर्व इन जर्मन। उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में पहले फॉगेटिंग कर्व का डिस्क्रिप्शन दिया था, एंड लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसलेटेड टू बी कॉल्ड मेमरी अ कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये लेटर ऑन अदर लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई थी। नाउ एबिंगर्स का एक्सपेरिमेंट किया था, एबिंगर्स ही बेसिकली कंडक्टेड द टेस्ट ऑन हिमसेल्फ, जिसमें कि इन्होंने मेमोराइजेशन एंड फॉगेटिंग ऑफ मीनिंगलेस थ्री लेटर वर्ड्स यूज़ किए थे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने क्या किया था, नॉनसेंस सिलेबल्स लिए थे, जैसे कि विड, जॉफ, कैफ, इनका कोई मीनिंग नहीं है, रादर देन जो मीनिंगफुल वर्ड है जैसे कि कैट, मैट, रैट, ये मीनिंगफुल वर्ड है। उन्होंने मीनिंगफुल वर्ड ना लेके मीनिंगलेस वर्ड्स लिए, जिसको उन्होंने बोला नॉनसेंस वर्ड्स या नॉनसेंस सिलेबल्स। क्यों? क्योंकि
उनका कोई एसोसिएशन नहीं होता हमारे मेमोरी के साथ, क्योंकि कैट मैट रैट वर्ड जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, इसलिए वो हमें याद रहते हैं। तो ये बायसनेस ना हो इसलिए उन्होंने नॉनसेंस वर्ड्स लिए एंड उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया विच इंक्लूडेड मेमोराइजेशन एंड फॉरगेटिंग। उन्होंने याद किए एंड उन्होंने नापा डेली फॉर 31 डेज। उन्होंने 20 मिनट्स के लिए ये प्रोसेस किया एंड ही टेस्टेड हिमसेल्फ टू सी इफ ही कुड रिटेन द इंफॉर्मेशन आफ्टर द डिफरेंट टाइम पीरियड। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे उन्होंने एसेस किया कि इतने इतने टाइम पीरियड पे क्या वो याद रख पाते हैं एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, उसको उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया जिसको कि अब फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। जैसे कि आप ये कर्व देख सकते हैं, इसमें इन्होंने मेमोरी एंड टाइम रिमेम्बर्ड यहाँ पे डेज लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो उन्होंने इस कर्व में दिखाया कि हम आगे देखते हैं जैसे कि एबिंगोस फॉरगेटिंग कर्व के इंटरप्रिटेशन कैसे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो है मेमोरी है एम हम लिख देते हैं एंड दिस इज़ द टेस्ट day 1, day 2, day 3। तो उनका कहना है जब हम कुछ याद करते हैं तो मेमोरी जो है बहुत एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। देखो कितने स्टिडली वो डिक्रीज़ हो रही है, बहुत वेरी क्विक एट हेयर, मतलब आपको जो है ऑलमोस्ट 75% याद है जो आपने याद किया था एंड 20 मिनट्स के बाद ओनली 58% इज़ लेफ्ट एंड आफ्टर 1 आवर ओनली 44% इज़ लेफ्ट एंड एक दिन के बाद 33% इज़ लेफ्ट एंड आफ्टर 6 डेज ओनली 25% इज़ लेफ्ट। ये उनका फॉरगेटिंग कर्व था। ये कब है? जब हम याद नहीं करते, जो चीज़ हमने लर्न करी है उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसकी रिविजन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व में ये दिखाने की कोशिश की। नाउ अगर आप उसको इंटरप्रेट करें तो एबिंगोस फाइंड आउट द फॉरगेटिंग कर्व टू बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर। एक्सपोनेंशियल एकदम, एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं, एकदम जो जल्दी से गिरता है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। जो आपने कर्व में भी देखा था एकदम से वो नीचे रिड्यूस हो जाता है एंड मेमोरी रिटेंशन इज 100% एट द टाइम ऑफ लर्निंग। सिर्फ रिटेंशन जब हमने लर्न किया है तब 100 पॉइंट्स है, बट एकदम से ड्रॉप आता है रैपिडली, 40% का ड्रॉप हो जाता है विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टर विच डिक्लाइनेशन ऑफ मेमोरी रिटेंशन स्लोज डाउन अगेन एंड उसके बाद वो फिर से स्लो हो जाता है। इन द सिंपल वर्ड अगर हम समझना चाहें तो फॉरगेटिंग कर्व है वो एक्सपोनेंशियल है। क्यों? बिकॉज दैट मेमोरी लॉस इज रैपिड एंड ह्यूज, बहुत ज़्यादा और रैपिड होती है विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द लर्निंग। अगर उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन की, वो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जो है हमारे ब्रेन से आउट हो जाती है, हमारी मेमोरी से आउट हो जाती है। बट द रेट ऑफ द मेमोरी लॉस डिक्रीजेज एंड द रेट ऑफ मच फॉरगेटिंग इज मच स्लोअर फ्रॉम दैम। बट उसके बाद वो जो रेट है डिक्रीज होने का वो कम हो जाता है। नाउ रेट ऑफ फॉरगेटिंग क्यों होता है और कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मीनिंगफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर जो चीज़ आपने याद करी है वो बहुत मीनिंगफुल है, आपके लिए यूनिक है, आपसे कनेक्टेड है, तो आपको वो चीज़ याद रहेगी और चांसेस कम है कि वो आप उसे भूल जाएं। दूसरी चीज़ है द वे इट इज़ रिप्रेजेंटेड, वो कैसे रिप्रेजेंट हुई है। जैसे कि ऑडियो विजुअल एड से कोई चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है बोल्ड लेटर्स में, कलरफुल, या कोई पिक्चर की फॉर्म में कुछ समझाया जाता है तो हमें ज़्यादा याद रहता है, रादर दैन एक सिंपल बोरिंग सा लेक्चर हो वो हमें याद नहीं रहता। तो रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा फॉरगेटिंग का रेट क्या रहेगा। नेक्स्ट इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस एंड स्लीप। अगर आपकी खुद की साइकोलॉजिकल कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, आप स्लीपी हो, ड्राउजी हो, आपको भूख लग रही है और या आप सिक हो, तो आपका ध्यान नहीं है उस लेक्चर की तरफ, तो आप डेफिनेटली भूल ही जाओगे, दैट लीड इन टू द फॉरगेटिंग। तो रेट ऑफ द फॉरगेटिंग इज़ नॉट सेम विद एवरीवन, मतलब जो भूलने का है, कुछ जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि क्लास में सो रहे होते हैं बट वो सब कुछ सुन रहे होते हैं, लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी उनसे पूछो तो उनको याद होता है। बट कुछ बच्चे बड़े दिखते होते हैं बड़े अटेंटिवली, बट उनको जो है जो लेक्चर इतना समझ में नहीं आता है एंड वो जल्दी से भूल भी जाते हैं। सो हमन एबिंगोस अपॉइंटेड आउट द डिफरेंस इन द मेमोरी परफॉर्मेंस बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल एंड कैन बी एक्सप्लेन बाय द मेमोनिक रिप्रेजेंटेशन स्किल्स। फ्रेंड्स, मेमोनिक रिप्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी,
तो एक्चुअली हमन एबिंगोस ने क्या किया था, उन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक मेमोरी स्किल्स परफॉर्मेंस पे भी डिस्कशन किया था विद द यूज़ ऑफ द मिनोमिक रिप्रेजेंटेशन स्किल्स। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमने एबिंगोस फॉरगेटिंग कर्व पढ़ा। आई होप आपको ये कर्व समझ में आएगा, आपके स्टडीज़ के लिए वर्थफुल रहेगा। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँ। थैंक यू।